तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि क्या ये खुद डायग्नोज कर सकते हैं? क्या डीपीटी जो किया हुआ एक क्वालिफाइड पर्सन है जिसे हम फिजियोथेरेपिस्ट कह रहे हैं, क्या वो डायग्नोज करता है या उसका डायग्नोज से कोई लेना देना नहीं है? तो इस सवाल का जवाब यह है कि वो खुद ही डायग्नोज करता है, यानी कि डायग्नोज करना भी फिजिकली जो मसल्स की मूवमेंट के अंदर जो है वो इरेगुलरिटी आ चुकी है उसको डायग्नोज करना भी इसका ही काम होता है। कैसे? ये डिफरेंट फिजिकल जो है वो या स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करता है पेशेंट की बॉडी पे, जिससे इसे यानी कि डिफरेंट एंगल्स को मेजर करता है कि ये मसल इस एंगल पे होना चाहिए, ये मसल इस एंगल पे होना चाहिए, ये इतना मसल मूव करना चाहिए, इसको इतने सेंटीमीटर मूव करना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो ये वो स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करता है और डायग्नोज करता है कि एक्चुअली इस पेशेंट को फिजिकली क्या मसला है, इसके जो फिजिकल मसल्स हैं या न्यूरोलॉजिकल क्या डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी जो कार्डियो रेस्पिरेटरी डिफरेंट डिसऑर्डर आ रहे हैं, तो उसका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके बॉडी फंक्शनिंग, इसके बॉडी जो है वो फिजिकल जो बॉडी है उसके साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, कि हम कौन सा जो है वो पार्ट बॉडी का अगर करेक्ट करवा दें तो इसका जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या मसल का डिसऑर्डर ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये दोनों अक्यूट और क्रॉनिक दोनों डिजीज के अंदर जो है ना ये अपना वर्क परफॉर्म करता है। अब हम चैनल को शेयर करें और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।